हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ हीरो ग्लैमर की न्यू एडिशन है। हीरो ग्लैमर की जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, इस बाइक का मैं रिव्यू देने वाला हूँ। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रंट लुक से इस बाइक की अगर बात की जाए तो आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। BS4 में आपको कुछ और डिज़ाइन का हेडलैम्प देखने को मिलता था, BS6 में रीचेंज्ड आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर बल्ब टाइप ही आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट व्हील में आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाएगा, IVS टेक्नोलॉजी के साथ। इंजन को अगर देखें तो आपको इंजन 125cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इंजन भी मिल जाएगा। और एडजस्ट भी आपको एक्स्ट्रा कवेटेड मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। और पीछे की तरफ आपको रियर में ट्विन शॉकर देखने को मिल जाएगा। टेल लैंप को अगर देखा जाए तो आपको टेल लैंप LED मिलता है इस बाइक में। एच डिज़ाइन का आपको थोड़ी सी देखने को लुक मिल जाएगी ग्लैमर BS6 में इस बाइक में। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो आपको 790mm का इस बाइक में सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कम्फर्टेबल इस बाइक की सीट है बनाई गई है इस बाइक, इस ग्लैमर BS6 के लिए। आपको गियर बॉक्स इसमें 4-स्पीड गियर बॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको FI का भी स्टिकर देखने को मिल जाएगा और i3S का भी स्टिकर इस साइड देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंडल बार की अगर बात करें तो आपको पास लाइट और लाइट की और साइड इंडिकेटर का भी बटन लेफ्ट हैंडल बार में आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीडोमीटर की बात करें तो आपको एनालॉग प्लस डिजिटल स्पीडोमीटर इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंडल बार की बात करें तो आपको i3S का बटन और सेल्फ स्टार्ट का भी बटन इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर देखा जाए तो आपको 10 लीटर का इस बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इस बाइक में ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 10 लीटर ऑन रोड प्राइस आपको इस बाइक में 73,000 के आसपास आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक।